हेलो माय फ्रेंड्स, ई फॉर्चून अराय चैनल में आप सबका स्वागत है। हार्टिएस्ट वेलकम फॉर माय न्यू फ्रेंड्स बट न्यू वेल्यूसर्स न्यू फॉलोअर्स। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू वेरी स्पेशल स्वीट डिश। ऑल ओवर इंडिया ये स्वीट डिश बहुत पसंद करते हैं। आप नाम सुनना चाहते हैं? हाँ, कालाकंद। कालाकंद डिफरेंट टाइप का होता है, मिल्क से बनता है, मिक्स जैसे मिल्क एंड फ्रूट्स बा ड्राई फ्रूट्स। कालाकंद आप किसी से भी बना सकते हैं। तो कालाकंद का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों में मैंने बैलेंस रखता है। तो आज हम जो शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल कालाकंद है, सीजनल फ्रूट्स से बनाया हुआ। सीजनल फ्रूट्स मीन्स यू नो मैंगो। मैंगो सबको फेवरेट है, एट वराइटीज़ मैंगो भी मिलता है। हम अभी बाहर मार्केट नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन से ही सामान ऑर्डर करते हैं। इसे हम बिग बास्केट से एक मैंगो ऑर्डर किया है जो स्पेशली ओरिजिन ऑफ चेन्नई है, सिंदूरा मैंगो। देखने में बहुत सुंदर, एकदम रेडिश राउंड शेप होता है और बहुत स्वीट होता है। वो मैंगो से आज हम आपको कालाकंद बना के दिखाएंगे। कितना आसानी से, कितना हेल्दी कालाकंद आप बना सकते हैं मिनिमम इंग्रेडिएंट से। और इसमें हम कोई कलर, आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है, फ्रूट कलर भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था। मैंगो का कलर इतना स्ट्रॉन्ग और मैंगो इतना स्वीट था, देखने में भी जैसा है, खाने में भी उतना ही स्वीट था। और उसमें जो पल्प है बहुत मिला था, क्वांटिटी भी बहुत अच्छा रहता है, जिससे हम आसानी से ये माने लार्ज क्वांटिटी में हम कालाकंद बना सकते हैं। तो इसमें सिर्फ मैंगो हम लिया है, मैंगो के साथ हम छेना भी लिया है। तो कॉटेज चीज़ जो होता है वो घर में बना के हम यूज़ किया है। चीज़ बनाने का माने पनीर बनाने का टाइम में आपको कोई बात ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आज हम लोग जैसे पनीर खाते हैं तो उसमें सॉफ्ट पनीर हम लोग पसंद करते हैं। तो ये जो कालाकंद बनाने जा रहे हैं इसके लिए हमको हार्ड पनीर चाहिए, बस सॉलिड चाहिए। सॉलिड होने के लिए हम विनेगर से पनीर हम बनाए हैं। थोड़ा सा विनेगर इसमें ज़्यादा दिया था, इसे थोड़ा सा माने हार्ड हो, सॉलिड हो। और इसमें हम ये पनीर बनाने का बाद उसको पानी निकल के हम फ्रीज में रखते हैं, थोड़ा सा सॉलिड होने के लिए, थोड़ा सा हार्ड होने के लिए। तो हार्ड होने से हम जब कालाकंद को बाइट करेंगे उससे जूसी एंड हार्डी टच बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट हम यूज़ किया है। दो मैंगो हम लिए हैं, सिंदूरा मैंगो, आप देख रहे हैं इसका सेप। और इसे काटने का बाद इसका पाल्फ निकाले है। और ये हो गया आपका घर में बना हुआ पनीर, जो हम एक कप क्लॉथ में टाइट करके बंधे थे, वो फ्रिज में उसको टाइट कर लिया, एकदम पानी नहीं है, पूरा ड्राई कर दिया है। तो कॉटेज चीज़ भी बन गया है, मैंने पनीर बन गया है, और मैंगो भी, मैंगो का पल्प भी हम बना लिया है। आप देख रहे हो पनीर बहुत हार्ड बनाया है, सॉफ्ट होने से, सॉफ्ट जो कालाकंद होता है वो हमको पसंद नहीं होता है। और ये सॉफ्ट बनाने से ज़्यादा टाइम रहता भी नहीं है। हम जो कालाकंद बना के आपको दिखा रहे हैं ये हम मिनिमम 5 to 6 days हम रख सकते हैं घर में, फ्रिज में हम अच्छे से कवर करके रखें। तो आप बनाने का टाइम, बनाने के बाद जो आपको टेस्ट मिला था सेम टेस्ट, 4 days के बाद भी आपको सेम टेस्ट मिल सकता है। अभी पनीर को हम मिक्सी बा मिक्सर ग्राइंडर में हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, हाथ से करेंगे, क्योंकि इसको हमको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अगर मिक्सी में बा मशीन में हम करें तो सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट पनीर हमको नहीं चाहिए, हमको थोड़ा सा सॉलिड बा हार्ड रखना है।
इसमें हम मिल्क भी ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे, इसको ज़्यादा गर्म भी नहीं करेंगे। अभी इसमें इंग्रेडिएंट जो यूज़ किया है, मेन इंग्रेडिएंट यही है। अभी है पैन में, पैन गर्म हो गया है, इसमें हम 2 टीस्पून घी डाले हैं। घी इसमें क्यों डाले हैं? जो घी और थोड़ा सा मिल्क एंड मैंगो पल्प जो है उसको मिक्स कर देंगे, तो उसमें जितना पानी रहेगा वो पानी ड्राई होने का बाद ही हम पनीर को डालेंगे, क्यों हम नहीं चाहते हैं जो उसमें पानी रहे। पानी रहने से ही ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो सॉफ्ट होने से कालाकांत का जो एक टाइट भाप रहता है वो नहीं रहेगा। अभी देखिए घी और माने डेंस मिल्क को हम डाले हैं, थोड़ा सा ही डाले हैं, ज़्यादा मिल्क हमको इसमें नहीं डालेंगे। अभी इसमें मैंगो पल्प, 2 मैंगो हम लिए थे, 2 मैंगो पल्प हम इसमें इसका अंदर डाल दिया। इसको अच्छा से मिक्स करेंगे, उसके बाद जो हम डालेंगे कॉन्डेंस मिल्क। कॉन्डेंस मिल्क क्यों डालेंगे? कॉन्डेंस मिल्क डालेंगे, हम शुगर इसमें यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंगो बहुत मीठा था और कॉन्डेंस मिल्क में ऐसे ही मीठा होता है, तो ये पूरा बैलेंस हो जाएगा। आप जितना मीठा चाहते हो इसमें हो जाएगा, तो अगर इससे भी ज़्यादा मीठा सब चाहते हो तो शुगर ऐड कर सकते हो। तो हमको मॉडरेट रखना था, ऐसे ही कालाकांत जब ज़्यादा मीठा होता है तो हमको इतना अच्छा नहीं लगता है। तो आप देखिए जो हम 100 ग्राम मिल्क मेड इसमें ऐड किए थे, 2 मैंगो 100 ग्राम मिल्क मेड, और पनीर हम बनाए थे 2 लीटर दूध से पनीर बनाए थे, तो 2 लीटर मिल्क से पनीर बनाने का बाद हमको 700 ग्राम मिला था। तो अच्छे से मिक्स करने का बाद हम पनीर जो क्रश, अभी हम पनीर ऐड कर रहे हैं जो हम क्रश करके रखे थे। पनीर ऐड करके अभी गैस फ्लेम को के हम सेम में रख दिया है, अभी इसको अच्छा से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम एकदम ज़्यादा नहीं करेंगे, मिनिमम ही रखेंगे, हम चाहते हैं धीरे धीरे ये अच्छे से मिक्स हो जाए और उसका दूध का जो पानी है व मैंगो का जो रस है धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो जाए। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अच्छा से मिक्स हो गया है, और थोड़ा इसको मिक्स करना है, धीरे धीरे स्टार्ट करते रहेंगे, हम ब्रेक नहीं देंगे। ब्रेक देने से उसका जो ये ब्रेक देने से मैंने स्टार्ट करना बंद नहीं करना है और फ्लेम को बढ़ाना भी नहीं, वो जो सेम में ही हम इसको पूरा बनाएंगे। अभी हमको धीरे धीरे जल्दी जल्दी स्टार्ट करना है, जल्दी जल्दी मिक्स करना है इसको, और जितना इसमें पनीर का माने ग्रैन्यूल्स है वो अच्छा से मिक्स कर देना है। तो हम इंग्रेडिएंट में क्या क्या डाले हैं, मैंगो पल्प, घर में बना हुआ पनीर, सॉलिड पनीर, हार्ड पनीर एंड मिल्क मेड, थोड़ा सा डेंस मिल्क एंड 2 टीस्पून घी। आप किसी भी घी को यूज़ कर सकते हैं, घी होने से उसका फ्लेवर जो आता है अच्छा आता है। अभी देखिए मेरा कंप्लीट हो गया, अभी एकदम शेप देने के लिए रेडी हो गया है, और घी दिया है, घी का फ्लेवर भी नहीं आएगा,
मेन फ्लेवर इसका आएगा मैंगो का, इसलिए हम इसलिए इसमें कोई भी गरम मसाला जैसे कार्डमम सिनेमम कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि हम मैंगो कालाकांद बनाने जा रहे हैं। तो कलर आप देख रहे हो एकदम ओरिजिनल मैंगो का कलर है। अभी देखिए पूरा पैन एकदम क्लीन हो गया और मेरा जो कालाकांद का डो है एकदम सेंटर में आ गया है। अभी इसमें फ्रेश रैप डालेंगे। आप बताइए क्यों? इसलिए डालेंगे जो आसानी से आम कालाकांद को लिफ्टअप कर सकते हैं, टेकआउट कर सकते हैं। अभी वही जो हम सर्विंग ट्रे लिए हैं उसका अंदर हम ऐसा शेप में ये फ्रेश टैप को रखे हैं जो हम दो साइड से उसको उठा सकते हैं। अदरवाइज़ हम बहुत बार इस टाइप का मैंने आइसक्रीम संदेश कभी भी संदेश वगैरह बनाने जाते हैं तो उसको उठाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज आप ज़्यादा घी ऐड करो तो बहुत प्रॉब्लम। हम सोचा है इससे बेटर है अगर हम ये फ्रेश टैप यूज़ करें तो ये टिप्स भी आप ले सकते हो। बहुत इजी से आप किसी भी मैंने संदेश व मिठाई को आप इससे निकल सकते हो। अभी मेरा कालाकांद रेडी हो गया है। अभी थोड़ा सा इसको चील करेंगे। चील करने का बाद इसको हम फ्रीज में रखेंगे। फ्रीज में डालने का पहले हम इसको थोड़ा सा काटेंगे शेप में, मैंने बर्फी का शेप में इसको काट देंगे। तो जब हम फ्रीज से निकालेंगे तो सर्व करने के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम स्क्वायर शेप में इसको काट लिया है, फ्रीज में रखा था आधा घंटा भी एक घंटा रखने का बाद हम फ्रीज से निकाल दिया। अभी देखिए मेरा कालाकांद एकदम रेडी है। एकदम किसी भी पार्टी में किसी भी चाहे कितना बड़ा पार्टी हो अगर आप ये डिश स्वीट डिश बना सकते हो, बहुत आसानी से बनेगा। मिनिमम इंग्रेडिएंट मिनिमम मैंने ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं है और बहुत अच्छा गेस्ट बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे ये डिश के लिए। बहुत टेस्टी हुआ था, आप बिलीव नहीं करोगे। हम बना के नहीं बोल रहे, मैंगो का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा था जैसे लग रहा है आर्टिफिशियल कलर दिया है, बट एक रियल ओरिजिनल कलर ओरिजिनल फ्लेवर आया था। तो अभी देखिए देखने में अभी गार्निश करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम गार्निश इसलिए नहीं किया है जो हम मैंगो कलाकांद बनाने जा रहे हैं। गार्निश क्यों करेंगे? गार्निश करने के लिए हमको ड्राई फ्रूट्स ऐड करना पड़ेगा। नो नीड टू ऐड एनीथिंग। अभी हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिल्क मेड को स्प्रेड करेंगे। हम बोले थे पहले ही हम बोल दिया था तो थोड़ा सा सॉलिड एंड जूसी, तो जूसी के लिए हम थोड़ा सा मिल्क मेड ऊपर में टॉपिंग में स्प्रेड करेंगे। अदरवाइज और कुछ भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स हम ऐड नहीं करेंगे। ये मेरा स्पेशलिस्ट है। हम जब कि दूसरा टाइप का संदेश बर्फी बनाने जाते हैं उसमें हम टॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं जैसे आलमंड काजू, बट इसमें हम कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे। सिर्फ मैंगो फ्लेवर मैंगो कलर एंड डिलीशियस कलरफुल बहुत अच्छा देखने में हुआ है, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ था। हम 4 डेज इसको फ्रिज में रखे थे और एवरी डे हम लोग टेस्ट करते थे, कोई भी टेस्ट का कोई चेंज नहीं हुआ, सेम टेस्ट मिला था हमको। आप भी घर में बनाइएगा और गेस्ट लोगों को खिलाइएगा, उन लोगों के बाद आपको कमेंट्स में पूछिएगा जी कैसा लगा। तो रियली इट इज़ वेरी डिलीशियस एंड फेस्टिव स्पेशल स्वीट डिश। हाँ ये आप बोलते हैं सीजनल है, सीजनल में ये बना सकते हो। जैसे गाजर का कैरेट का एक सीज़न होता है, ऐसे मैंगो का सीज़न होता है। कैरेट का सीज़न में हम लोग हलवा कैरेट बर्फी बनाते हैं, तो ये सेम मैंगो सीजन जब समर का टाइम में ही बना सकते हैं, बट आजकल तो कोल्ड स्टोर में रहता है तो मिल जाता है।
तो अगर मेरा रेसिपी, मेरा चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स लोगों को इन्फॉर्म कीजिएगा, उन लोगों को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा और उन लोगों को कमेंट्स भी देने के लिए बोल दीजिएगा। हम आप लोगों के साथ सामने आएंगे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नया नया रेसिपी लेके, वैरायटीज़ कम टाइम में एकदम आसानी से बन जाए, हेल्दी फूड एकदम किड स्पेशल, पेरेंट स्पेशल, एवरी एजेस डिफरेंट टाइप का स्नैक्स, डिफरेंट टाइप का आइटम हम मेरा चैनल पे दिखाती हूँ और भी ज़्यादा ज़्यादा हम शेयर करेंगे, क्योंकि हम रेसिपी अपने आप क्रिएट करते हैं, कोई फॉलो नहीं करते हैं, कोई रेसिपी बुक रेसिपी किसी से हम रेसिपी हायर नहीं करते हैं, हम हमेशा मेरा रेसिपी मेरा ही होता है, हम इफ टोटली मेरा अपना रेसिपी है। हम किसी भी चैनल को, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी बुक्स को हम फॉलो नहीं करते हैं, ये मेरा प्रिंसिपल है। तो देखिए अभी मिल्क में थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए, डेकोरेशन एंड जूसी करने के लिए, आप भी मेरा रेसिपी जो है एकदम परफेक्टली अगर फॉलो कीजिएगा तो इस टाइप का मैंगो कलाकांद आप बना सकते हो, एकदम आसानी से बना सकते हो, कोई हार्ड नहीं है। हम जैसे टिप्स दिए हैं वो टिप्स आप फॉलो कीजिएगा। टिप्स में हम पनीर को थोड़ा सा सॉलिड व हार्ड करने के लिए बोले हैं, उसके लिए विनीगर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करने के लिए बोले हैं, और मैंगो पल्प कलर नहीं यूज़ कीजिएगा, कॉन्डेंस मिल्क यूज़ कीजिएगा, मिल्क ज़्यादा नहीं यूज़ कीजिएगा। ये सब टिप्स जो हम दिया है एकदम ध्यान में रखिए और ये बहुत अच्छा डिश आप बनाइए, बच्चे लोगों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए, आपने खा के मेरा कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए कैसा लगा था। तो मेरा चैनल को आप लोग फॉलो करते रहिए और आगे भी बहुत सारा रेसिपीज आप लोगों के सामने, स्नैक्स, डेजर्ट, चॉकलेट्स, बहुत सारा रेसिपी आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम सब शेयर करेंगे, आप लोग मेरा चैनल को राइज करने के लिए आप लोगों को हेल्प चाहिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर बहुत ज़्यादा करें। आप चाहो तो डेकोरेशन के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हो, आप अगर स्वीटनेस ज़्यादा चाहते हो तो शुगर भी ऐड कर सकते हो। अभी ये ओरिजिनल कलर है, कलर यूज़ नहीं कीजिएगा, कलर यूज़ करना हमको पसंद नहीं है। आप देख सकते हो कितना अच्छा डिश, तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है, आप घर में बनाइएगा और वाओ, हम तो अपने ही अफीदा हो गए हैं, हम अपने ही बनाए हैं, अपने ही देखने से लगता है सचमुच हम बनाए हैं कि मार्केट से भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा जो बना था हमारे, एकदम परफेक्ट टेक्सचर देखिए, परफेक्ट, हम अपने आप बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट, इसे कोई भी कमी नहीं था, जो हाँ थोड़ा सा मीठा चाहिए और थोड़ा सा जूसी चाहिए और थोड़ा सा हार्ड चाहिए, एकदम 100% परफेक्ट मैंगो कलाकांद। आप चाहो तो और भी ड्राई फ्रूट से ड्राई डेकोरेट कर सकते हो, बट हमको नहीं लगा जी इससे कोई ज़रूरत है, इसका इतना मैंगो का इतना ब्यूटीफुल कलर है जो उसे ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अच्छा चीज़ जब बन जाता है उसको
प्रेजेंटेशन भी अच्छे से करना चाहिए। तो आप देख रहे हो हम सिल्वर प्लेट में इसमें सर्व कर रही हूँ, उससे और भी सुंदर लग रहा है। अभी ऊपर में मिल्क में स्प्रेड किया है, इसे थोड़ा सा जूसी एंड लुक शाइनिंग। किसी भी दोस्त को किसी भी फेस्टिवल में आप सर्व कर सकते हो। ये रियली प्रेजेंटेबल है एंड वेरी डिलीशियस एंड रियली ऑसम स्वीट डिश। ऑल ओवर इंडिया ये कालाकांद बहुत फेमस रहते हैं। डिफरेंट टाइप का बनता है, बट ये मेरा जो मैंगो का कालाकांद बना हुआ है, इंग्रेडिएंट भी यूनिक है एंड यूनिक रेसिपी, यूनिक प्रोसेस से हम बनाए हैं, जो एकदम परफेक्ट है। हम आप लोगों का ओपिनियन चाहिए जी, कैसे लगा था। बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स देके आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आपका कोई रिक्वेस्ट है तब भी मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लोग रिक्वेस्ट बा कोई डिमांड है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम ट्राई करूँगी आप लोगों का कमेंट्स का माने क्वेश्चन का आंसर देने में ज़रूर ट्राई करूँगी। आप चाहो तो इसमें कार्डमम ऐड्स कर सकते हो, बा हम कुछ नहीं ऐड किया है। अभी देखिए पूरा टेक्सचर पूरा एकदम परफेक्ट हुआ है। ये पूरा 22 मिनट्स का वीडियो है, बहुत अच्छा से आप लोग वॉच कीजिएगा और आप लोग देखते ही रह जाएगा। जैसे लग रहा है एकदम हेवन हेवन।